एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट एग्जाम स्टडी। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 1 से 5 जून तक के टॉप 50 करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, बीसीसीआई ने वर्ष 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किए जाने के लिए किस खिलाड़ी का नाम नॉमिनेट किया है या नामांकित किया है? तो बीसीसीआई ने नॉमिनेट किया है रोहित शर्मा का नाम, जिनको इस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाए। बीसीसीआई ने यह नाम सजेस्ट किया है। और बीसीसीआई ने ईशान शर्मा, शिखर धवन और महिला खिलाड़ियों में दीप्ति शर्मा का नाम सजेस्ट किया है अर्जुन अवार्ड के लिए, तो ये भी आप याद रखिएगा। बेसिकली ये जो स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ होती हैं, ये अपनी अपनी खिलाड़ियों का नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और अर्जुन अवार्ड के लिए सजेस्ट करते हैं। फिर जो कमेटी डिसाइड करती है कि किन किन खिलाड़ियों को कौन सा अवार्ड दिया जाए, वो इन्हीं नामों में से कोई भी नाम अपने हिसाब से पिक कर लेती है और उसको ये अवार्ड दिया जाता है। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है काफी, रोहित शर्मा का नाम सजेस्ट किया है बीसीसीआई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑस्ट्रियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो रेड बुल साल्ज़बर्ग ने जीता है। ये लगातार पांचवी बार, लगातार सातवीं बार जीता है। लुस्तेनाउ को हराकर ऑस्ट्रियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट रेड बुल साल्ज़बर्ग ने जीता है, 5-0 से हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी करते हुए पेरेंट्स और स्टेट्स से परामर्श के बाद कब से स्कूल खोले जाने की घोषणा की है? तो स्कूल खोले जा सकते हैं 2020 से। राज्य सरकारें भी पेरेंट्स से परामर्श लेंगी और उनके सजेशन के बाद ही 2020 से स्कूल्स खोले जाएंगे, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है काफी। एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में सड़क परियोजना के लिए 17.7 करोड़ डॉलर के ऋण की मंजूरी दे दी है? तो महाराष्ट्र में ये मंजूरी दी गई है। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, 17.7 करोड़ डॉलर ऋण देगा महाराष्ट्र को, और यह ऋण दिया जाएगा सड़क परियोजनाओं के लिए, तो ये भी याद रखिएगा। तो सड़क परियोजनाओं के लिए एडीबी ऋण देगा महाराष्ट्र को 17.7 करोड़ डॉलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मशहूर ज्योतिषाचार्य बिरजन दारूवाला का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इनकी एज थी 89 ईयर्स या 89 वर्ष। कोरोना वायरस के चलते इनका निधन हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। 1 जून को कौन सा महत्वपूर्ण दिन मनाया जाता है? तो 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा काफी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जिन्हें हाल ही में ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है, ये कौन है? तो नरेंद्र बत्रा है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस का स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो वेंकट रमनी सुमंतरन को नियुक्त किया गया है इंडिगो एयरलाइंस का स्वतंत्र निदेशक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में आरबीआई ने सिटी बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, और ये जुर्माना किस लिए लगाया है? अगर आप जानते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए, नहीं तो अगले वीडियो में हम इसका आंसर आपको देंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर भारत के किस एनजीओ को डब्ल्यूएचओ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस एनजीओ का नाम है सीड्स, सीड्स का फुल फॉर्म है सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी।
तो याद रखिएगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21, 31 मई को। और इस वर्ष की जो थीम थी वो भी काफी इंपॉर्टेंट थी, युवाओं को आधारित किया गया था, युवाओं के ऊपर बेस्ड थी ये थीम। और इस थीम का ये थीम थी प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टबैको एंड निकोटीन यूज। तो ये भी याद रखिएगा, थीम भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, 31 मई को नासा ने स्पेसएक्स की मदद से किस अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजा है? तो दो अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा है, डॉग हर्ली एंड बॉब वेगन। तो याद रखिएगा, स्पेसएक्स किसकी कंपनी है? एलोन मस्क की, एक प्राइवेट कंपनी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान निसर्ग का नाम किस देश ने सुझाया है? तो किस देश ने इसका नाम सजेस्ट किया है? तो ये नाम सजेस्ट किया है बांग्लादेश ने, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफी। इस्पात मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो प्रदीप कुमार इस्पात मंत्रालय के नए सचिव बने हैं, ये भी याद रखिएगा। बॉलीवुड की मशहूर संगीतकार जोड़ी सारिक वाजिद में से वाजिद खान का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो 42 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। ये काफी टाइम से हॉस्पिटलाइज्ड थे, एडमिट थे हॉस्पिटल में, उसके बाद इनकी डेथ हो गई है। कई सारे रीजंस बताए जा रहे हैं, बस आप ये याद रखिएगा कि इनका निधन हो गया और ये कौन थे? ये एक म्यूजिशियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोरोना के 10 सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर आ गया है? तो भारत पहले 9वें स्थान पर था, अब भारत आ गया है 7वें स्थान पर। तो ये काफी ज्यादा चिंता का विषय है हमारे देश के लिए, जितने ज्यादा नंबर्स बढ़ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव के, तो उसके चलते भारत अब 7वें स्थान पर आ गया है, पहले 9th पोजिशन थी भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता की शुरुआत की है? तो मेरा जीवन मेरा योग इसका नाम है। इस प्रतियोगिता को आईसीएमआर और आयुष मंत्रालय ने संयुक्त रूप से आयोजित किया है, तो ये भी याद रखिएगा। कौन से राज्य ने जून से शराब पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो पंजाब सरकार ऐसा करने जा रही है। और एक सरकार ने शराब पर 50% कोविड टैक्स लगाने की घोषणा की थी, ये हम पिछले वीडियोस के क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, तो आप बताइए अगर आपने पढ़ा हो तो कमेंट सेक्शन में हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश के जी बालकृष्णन ने किस पर हाल ही में एक नई जीवनी जारी की है? तो पीएम मोदी पर नई जीवनी जारी की है, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं के जी बालकृष्णन। इस जीवनी का नाम है, नरेंद्र मोदी समृद्धि और विश्व शांति के अग्रदूत हैं। इस जीवनी में पीएम मोदी के बचपन की तस्वीरें हैं और दुर्लभ किस्से इसमें शामिल हैं। तो ये जीवनी है, अगर आप इंटरेस्टेड हो पढ़ने में तो आप पढ़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2 जून को विश्व भर में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर डे मनाया जाता है 2 जून को। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो गायत्री कुमार है इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व बाइसिकल या साइकिल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 3 जून को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ये जो इम्पोर्टेंट डेज हम वीडियोस में आपको बताते जाते हैं, ये काफी इम्पोर्टेंट होते हैं, इसीलिए इनको क्वेश्चंस में रखा गया है अभी, तो इनको याद रखिएगा। और हम एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे कि कौन सा डे किस दिन होता है, तो आपको उससे और भी आसानी होगी याद करने में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने
हाल ही में कितनी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, तो कितनी जो खरीफ फसलें हैं उनका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है या MSP है उनमें बढ़ोतरी की जाएगी। तो 14 है ऐसी फसलें। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को उनकी लागत की तुलना में 50 से 83% तक रिटर्न मिलना चाहिए, तो ये भी याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आदेश गुप्ता को नियुक्त किया गया है, मनोज तिवारी जी का स्थान इन्होंने लिया है, मनोज तिवारी जो कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष थे पहले उनका स्थान लिया है आदेश गुप्ता ने, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफी। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उदय कोटक को किस संगठन का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है उदय कोटक को। उदय कोटक कौन है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। अनुसंधानकर्ताओं की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने किस नाम से एक पृथ्वी जैसे ग्रह के होने की पुष्टि की है? तो प्रोक्सिमा बी है इस ग्रह का नाम। तो यहाँ पर भी पृथ्वी जैसी दशाएं मिली होंगी, जैसे कि जैसी दशाएं पृथ्वी पर मिलती हैं तो इसलिए इसका नाम प्रोक्सिमा बी रख दिया गया है। प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या है अगर आप जानते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, 4 जून को विश्व भर में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो 4 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं मासूम बच्चों की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय ने संयुक्त सचिव रवीश कुमार को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है? तो फिनलैंड में नया राजदूत नियुक्त किया गया है रवीश कुमार को। ये वो रवीश कुमार नहीं है जो NDTV के रिपोर्टर हैं, तो याद रखिएगा ये एक संयुक्त सचिव हैं विदेश मंत्रालय ने इनको फिनलैंड में उच्चायुक्त या राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस देश की सरकार ने किसी अन्य के घर पर दो या उससे अधिक लोगों को एक साथ निजी तौर पर रात गुजारने पर प्रतिबंध लगाया है? तो ब्रिटेन सरकार ने ऐसा किया है कि अगर आप किसी के घर ब्रिटेन में हैं तो किसी के घर दो से ज्यादा व्यक्ति रात में नहीं रुक सकते। तो इस चीज का सोशल मीडिया पर काफी मजाक भी उड़ाया जा रहा है, लेकिन ऐसा मेजर ब्रिटेन सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए किया है। हाल ही में चर्चा में रही नई पहल स्वदेश का उद्देश्य क्या है? तो रोजगार सृजन है स्वदेश का उद्देश्य। स्वदेश का फुल फॉर्म है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। तो क्या होगा, जो भी वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से भारतीय भारत लौटे हैं उनका एक डेटाबेस बनाया जाएगा और उनको योग्यताओं के अनुसार कहाँ कौन सी फील्ड में लगाया जाएगा, या इंडियन कंपनी उन्हें हायर करेंगी या कोई विदेशी कंपनी उन्हें हायर करेंगी, लेकिन उनका एक डेटाबेस होगा, उसी पूल में से उन लोगों को योग्यता के अनुसार और उनके काम के अनुसार हायर कर लिया जाएगा। तो इसका आप याद रखिएगा, रोजगार सृजन है इसका उद्देश्य और वंदे भारत मिशन के तहत इसको नई पहल को शामिल किया गया था स्वदेश। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय लेखक ने एशिया के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 जीता है? तो कृतिका पांडे ने जीता है। भारतीय लेखिका हैं कृतिका पांडे और उनको प्रतिष्ठित कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज मिला है। उन्होंने अपनी कृति लिखी थी, उसका नाम था द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। तो चाय और उसके स्नैक्स के ऊपर उन्होंने कुछ स्टोरी लिखी थी, शॉर्ट स्टोरी। उसके लिए उन्हें एशिया के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज
2020 मिला है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफी। अगला क्वेश्चन है, डेयरी किसानों को सरकार कौन सा कार्ड उपलब्ध करवाएगी? तो किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाएगी सरकार डेयरी किसानों को। अगला क्वेश्चन है, COVID-19 से मुकाबले के लिए 30 देशों ने कौन से पूल की शुरुआत की है? तो टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने COVID-19 से बचाव के लिए सैलून और ब्यूटी पार्लर में आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है? तो ये अनिवार्य किया है तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने। क्या आप अगर सैलून जाना चाहते हैं या ब्यूटी पार्लर जाना चाहते हैं, आपको अपने बाल कट करवाने हैं, हेयर कट करवाना है आपको, तो आपको आधार कार्ड लेके ही जाना पड़ेगा वहां पे। हाल ही में केंद्र सरकार ने एमएसएमई को नए तरीके से परिभाषित किया है, ये कब से लागू होगा? तो ये जुलाई से लागू होगा और 1 जुलाई से इसको लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, COVID-19 के मरीजों के लिए सर्वाधिक 1 लाख बेड तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यूपी है जिसने ऐसा कर दिखाया है कि 1 लाख बेड तैयार हो चुके हैं COVID-19 के मरीजों के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो डेली कोरोना लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में गूगल ने सोशल डिस्टेंसिंग में सहायक किस मोबाइल ऐप की ऐप को लॉन्च किया है? तो सोडर है इसका नाम। अगला क्वेश्चन है, किस रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग Baa2 से घटाकर Baa3 कर दी है? तो मूडीज इन्वेस्टर्स ने ऐसा किया है। लॉकडाउन की वजह से आर्थिक क्रियाएं काफी मंदी हो चुकी हैं, तो उसकी वजह से हर इकोनॉमी को कुछ ना कुछ झेलना ही पड़ रहा है, तो हमारी रेटिंग भी Baa2 से Baa3 हो गई है, तो याद रखिएगा इसको, मूडीज ने ऐसा कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, NFL के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो वीरेंद्र नाथ दत्त बने हैं। हाल ही में हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो अनीश कपूर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2020। अगला क्वेश्चन है, ट्विटर ने अपने निदेशक मंडल का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो पैट्रिक पिचर्ट को बनाया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार सभी गांवों में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करेगी? तो स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करेगी राजस्थान गवर्नमेंट सारे गांवों में राजस्थान के, ताकि वो COVID-19 के बारे में, कोरोना वायरस के बारे में लोगों को जागरूक कर सके। स्वास्थ्य मित्र का यही काम होगा। कोरोना वायरस के खिलाफ मिशन फतेह किस राज्य ने शुरू किया है? तो मिशन फतेह शुरू किया है पंजाब सरकार ने। स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो 23वें स्थान पर है भारत, यहाँ 23rd पोजीशन है भारत की, इंडिया की। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने हाल ही में किस मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? तो कौशल विकास मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। 5 जून को विश्व भर में कौन सा दिन मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते भी होंगे, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मशहूर फिल्म मेकर बासु चटर्जी का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किस भूक्षेत्र में आपातकाल लगाने की घोषणा की है? तो साइबेरिया में आपातकाल लगाने की घोषणा की है, वहां पर तेल लीक हो गया था जिसकी वजह से ऐसा किया गया है। भारत और किस देश के बीच वर्चुअल समिट में रक्षा और टेक्नोलॉजी सहित 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया
बीच और भारत के बीच एक वर्चुअल समिट हुई थी, जिसमें रक्षा और टेक्नोलॉजी के साथ साथ सात समझौतों पर MOU साइन किया गया है या हस्ताक्षर हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, कुवैत में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे? तो सिबी जॉर्ज होंगे। तो ये थे टॉप 50 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको इन वीडियोस से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो पढ़ते रहिए और पॉजिटिव रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।